हम जवान हैं, अपनी जान हजार बार दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ देश के लिए। बाप से बात कर। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, दिस इज द कंटेंट, दिस इज द रियल डील मैन। कैन आई से अ बैड वर्ड? कैन आई से अ बैड वर्ड? भाई साहब, कांड फाड़ कंटेंट कह सकते हैं हम इसको। बाय गॉड, इतने सारे एसआरके आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ एसआरके, वहाँ एसआरके, स्टोरी दमदार, मसाला है, एक्शन है, रोमांस है, लव है, तड़का है, क्राइम है, थ्रिलर है, विलेन का जो पार्ट दिखाया गया है और जो कंट्रोवर्सी दिखाई गई है, सुपर अमेजिंग। मतलब जवान मूवी खुद में कंप्लीट है। ये था एक शॉर्ट समरी मूवी का। सोशल मुद्दे भी पर बात करी गई है। अटली मूवी है तो सोशल कंटेंट पे ही बात हुई है और जबरदस्त बात हुई है। शुरुआत करते हैं, पहले 10 से 15 मिनट भाई साहब बवाल मच जाएगा। मूवी की जो ओपनिंग है, जो एंट्री है, पहले के 10 से 15 मिनट में जो एक्सपेक्टेशन ही नहीं करा होगा कि ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा शुरुआत से ही। मतलब एक क्लाइमेक्स वाला जो पार्ट होता है ना, जो लास्ट में देखने को मिलता है, वो इन्होंने शुरू में ही डाल दिया है। मतलब 100% से इन्होंने स्टार्ट किया और हर किसी का सपना होता है कि 100% तक हम अपना कॉन्टेंट दें, लेकिन ये स्टार्टिंग में ही 100% दे दिया, तो समझो कि जो लास्ट तक पहुँचेगी कहानी तो कहाँ तक पहुँचेगी, पूरा उम्मीदों पे खरा उतरे। मतलब एंट्री सीन ने ही तबाही मचा दी। अटली की डायरेक्शन, मैं शुरू में ही कह दे रहा हूँ, अटली की डायरेक्शन इज अमेजिंग, नो कंपैरिजन। ये ना होता है तो शायद जवान ऐसी ना बन पाती। बाय गॉड, ये कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ कि अगर ये ना होता तो जवान ऐसी ना बन पाती, क्योंकि पठान हमने देखी थी और पठान का क्या लॉजिक था? कोई लॉजिक नहीं था, कोई स्टोरी थी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जवान के सामने जवान कहीं गुना बेटर है उससे। जितने भी कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स की बात करते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं ऑल आर अमेजिंग। और सबसे बेस्ट चीज़ जो टीजर ट्रेलर में देखने को मिल रहा था कि वो बॉल्ड लुक वाला जो गंजा वाला एसआरके था, सबसे निगेटिव है, बट वो है ही नहीं, वो निगेटिव है ही नहीं, वो विलेन है ही नहीं। हर कैरेक्टर्स पर जो जान डाली है एसआरके ने, मतलब जितने भी कैरेक्टर्स परफॉर्म करे गए हैं एसआरके के द्वारा, क्योंकि बहुत से कैरेक्टर प्ले करे गए हैं, एक मूछ वाला, एक क्या कहते हैं गंजे वाला, एक मैच्योर वाला, एक यंग वाला, एक बुढ़े वाला, तो जहाँ जहाँ जिस कैरेक्टर की डिमांड थी उसके हिसाब से जो रिएक्ट करा है, जो एक क्या कहते हैं मैच्योरिटी वाला तड़का डाला है, यंग एसआरके कैसा होना चाहिए, मूछ वाला मैच्योर एसआरके कैसा होना चाहिए, बॉल्ड लुक वाला साइकोपैथ तसार के कैसा होना चाहिए, वो पूरा तड़का हर एक कैरेक्टर में पूरी सावधानी से जितना ही हो सकता था उतना ही लगाया, बिल्कुल ओवर कुछ भी नहीं करा, क्योंकि एसआरके को लेकर फेस करी गई थी ये मूवी, तो एसआरके चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। बाय गॉड, तो भाई मजा आ गया। दूसरा, रिवील नहीं करूंगा कुछ भी यहां पर, स्पॉइलर कुछ भी नहीं दूंगा, लेकिन हां, एक नेगेटिव कैरेक्टर है एसआरके का, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, वो आप खुद जाके देखें, क्योंकि मूवी देखने के लिए बनी है ये। बाय गॉड, यहां से हम कुछ भी नहीं बताएंगे, वो वाला आपकी फाड़ के रख देगा, वो वाला करेक्टर इतना दमदार था एसआरके का, वो एक करेक्टर। मूवी की लेंथ है 2 घंटा 50 मिनट, ऑलमोस्ट 3 घंटा ही मान लो, लेकिन मुझे मूवी बिल्कुल लेंथी नहीं लगी, किसी को भी लेंथी नहीं लगी। मतलब बात बात पर बार बार जो सीटियां तालियां बजाई जा रही थी, मूवी देखने वाले ऐसे लग रहे थे कि भाई इतनी जल्दी क्यों ख़त्म कर दी। फर्स्ट हाफ एक्शन जबरदस्त, लव कॉमेडी वगैरह सब कुछ फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में जब बात बढ़ी तो सेकंड हाफ में भी भर भर के मिला है। मतलब यहाँ से और भी चीज़ें जुड़ गई सेकंड हाफ में, मतलब एक्शन, ड्रामा, इमोशन, लव, रोमांस, क्राइम, थ्रिलर, और आपको सीट से फेवी क्यूक की तरह चिपका के रखने वाली स्टोरी। ऐसा सॉलिड कंटेंट की आपको ज़रूरत है तो जवान आपके लिए ही बनी है। अगर ऐसे कंटेंट की आपको ज़रूरत है, ऐसे कंटेंट की आपको तलाश है कि यार एक ही मूवी में हमें सब कुछ देखने को मिले, तो यस, जवान आपके लिए ही आई है। कास्टिंग आर अमेजिंग, जितने भी रोल हैं सुपर अमेजिंग, सब ने भर भर के मेहनत करी है, चाहे वो नयनतारा हो गई, दीपिका हो गई, प्रियमणि हो गई, सानिया मल्होत्रा हो गई, सुनील ग्रोवर, और अपना अमेजिंग विलेन विजय सेतुपति, अलग लेवल की आग फाड़ी है इसने। बाय गॉड, विजय सेतुपति कमाल की एक्टिंग करी है, व्हाट अ पावरफुल विलेन ही इज यार। एक बार के लिए मैं कहूंगा विलेन के रूप में इतने एसआरके पर अकेला भारी पड़ेगा ये बंदा, बिल्कुल। व्हाट अ डायरेक्शन, व्हाट अ अमेजिंग लेवल ऑफ कैरेक्टर डिजाइनिंग, अटली ने जो समझदारी से जो पावरफुल कैरेक्टर डिजाइन किया है, क्योंकि एसआरके इतने मल्टीपल रोल और पूरा एक तरफा खाया है, बिल्कुल खाया है, लेकिन उसके सामने एक विलेन कैसा होना चाहिए ये साबित करता है, जो गदर 2 में देखने को नहीं मिला था। गदर 2 में सनी देओल अमेजिंग, एक तरफा खाया है, लेकिन विलेन उसके सामने बिल्कुल रद्दी, जीरो।
तो स्टोरी लाइन तो जैसी तैसी, लेकिन प्रेजेंटेशन इज अमेजिंग, स्क्रीन प्ले इज अमेजिंग। क्योंकि एक बेस्ट सेलर वो होता है जो अपनी रद्दी से रद्दी चीज भी सोने के भाव बेच देता है सिर्फ कॉन्फिडेंस के दम पर। तो यस, यही चीज जबरदस्त लगी। बाकी स्टोरी में ऐसे बहुत से देश के मुद्दे उठाने की कोशिश करी गई है, लाइक करप्शन, लाइक किसान का सफर, उनको लोन माफ नहीं होता, बड़े बड़े उद्योगपतियों को माफ हो जाता है, सरकारी हॉस्पिटल्स को प्रमोट करते हैं नेता लोग लेकिन खुद प्राइवेट में जाके इलाज कराते हैं, ऐसी बहुत सी चीजों के साथ सही करने पर मुद्दे पर बात चली गई है। तो ये अटली की मूवी में नॉर्मली देखने को मिलता है। आप पहले की भी मूवी भी उठा के देख लीजिए जो थालापति के साथ बनाई गई है, उसमें भी कहीं ना कहीं सोशल इश्यूज पर बात करते हैं ये। तो ये चीज़ बड़ी प्यारी लगी इनकी कि ये जो कॉम्बिनेशन है मसालेदार कंटेंट के साथ आप एक ऐसा सोशल मैसेज को उठाना, फिर उसमें इतनी अच्छी तरीके से बातें करना, तो ये बड़ा ही अच्छा प्यारा कॉम्बिनेशन लगा। मूवी काफ़ी इंगेजिंग है, बिल्कुल इंगेजिंग है, आपको कहीं पर भी बोरियत महसूस नहीं होगी, उल्टा आपको ये लगेगा कि मूवी यार क्या एक घंटे की थी, इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। बिल्कुल नहीं, मूवी का लेंथ बहुत ज़्यादा है लेकिन मूवी आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगी, फुल इंगेजिंग है। खास चीज़ एक्शन कोरियोग्राफी इज अमेजिंग भाई, इस मूवी का जो बेस्ट पार्ट है वो एक्शन है, बस ये नंबर वन पार्ट है इस मूवी का। जो छः डायरेक्टर है ना, जो छः डायरेक्टर एक्शन के लिए यूज करे गए थे और स्टंट क्रिएटर हैं, मतलब काम किया है इन लोगों ने, फाड़ के काम किया है, सॉलिड काम किया है। दूसरा, मैंने कहा था कि मल्टीपल कैमियोज होंगे, तो जस्ट जिसने कल वाली वीडियोज देखी है वो समझ जाना, बाकी यहां मैं रिवील नहीं करूंगा, यहां कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, क्योंकि ये मूवी आपको देखने के लिए बनी है। आप जाइए फील्ड में, जाइए देखिए मूवी को, देखिए तभी आपको पता चलेगा कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या नहीं है। बाकी यही चीज़ ध्यान में रखना कि कैम्यूज हैं, कैम्यूज जबरदस्त हैं, अनएक्सपेक्टेड कैम्यूज हैं, इतने तो हमें भी नहीं पता थे वो वहाँ पर मिले हैं हमको। VFX और CGI में बहुत ध्यान दिया गया है, बहुत ज़्यादा, ये पार्ट बहुत ही प्यारा पार्ट है। कलर कॉम्बिनेशन, सीन्स में नेचुरलिटी कैसे बिठानी है, बहुत बारीकी से काम करा गया है, मतलब शिकायत का या फिर गलती ढूंढने का बिल्कुल मौका नहीं दिया है अटली ने। बहुत अमेजिंग, सुपर फैंटास्टिक और फैबुलस तरीके से काम करा गया है VFX और CGI के पार्ट में, क्योंकि मूवी पूरी डिपेंड है इस पर। बिल्कुल देखो, लड़कियाँ इस कहानी का सेंटर पॉइंट है, समझ जाना कि आजकल के मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए लड़कियों को लेकर, जो क्राइम रेट आगे बढ़ रहा है उस वाले पार्ट पर ज़्यादा फोकस करा गया है। हाँ, एक बार के लिए रॉबिन हुड वाला कैरेक्टर भी आएगा, किसका वो आप समझ जाओ, क्योंकि जो फेस है इस मूवी में वही आएगा। तो यस, मज़ा आएगा, मैं फिर कह रहा हूँ स्पॉइलर नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट बार बार नहीं आते, ऐसे कंटेंट को आपको अपनी नंगी आंखों से देखना पड़ेगा। बिल्कुल BGM म्यूजिक के दम पर मैं बात करूं इस मूवी में, अनिरुद्ध का BGM आर अमेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट BGM अनिरुद्ध का BGM है। ये बंदा यहां से डेफिनेटली चमकेगा, बाय गॉड। यहां पर ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया में टॉप 10 म्यूजिक कंपोजर में अगर अटली का नाम है तो कोई दो राय नहीं है, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि इस बंदे ने जो BGM दिया है इस मूवी का, मार्वलस पार्ट था ये। दूसरा, स्क्रीन प्ले इज अमेजिंग, पॉलिटिकल पार्टी वाला कनेक्शन जो बिठाने की कोशिश करी बहुत सावधानी और चालाकी से करी, उनकी असलियत भी दिखाई लेकिन किसी भी पार्टी का टारगेट नहीं करा गया, तो ऑसम है। माइंड गेम भी चलना चाहिए और चलाया अटली ने, और बहुत ही सावधानी से चलाया, जो बातें उन्हें रखनी थी उन्होंने अपनी रखी, मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे वो वाला हिसाब किया है। तो जो उन्हें मुद्दे रखने थे वो भी रखे, जिन पे बात करनी थी वो करी, लेकिन किसी को एक पर्सनली टारगेट करके नहीं करा। मास मूवी है तो इसका मतलब सिर्फ एक्शन ही नहीं मिला, जवान की स्टोरी अपने आप में कंप्लीट है, क्योंकि अक्सर मास फिल्मों में स्टोरी के नाम पर सिर्फ कचड़ा होता है। बिल्कुल, और आपने ये पिछले कुछ टाइम से देखा भी होगा, लेकिन यहां आपको पहले तो साउथ की जिस टिपिकल एंड दमदार स्टोरी के लिए साउथ जाना जाता है ना, वो वाला मसाला देखने को मिलेगा। बिल्कुल बॉलीवुड और साउथ का वो स्टोरी लाइन का जो कॉम्बिनेशन है अमेजिंग है, और SRK के साथ ही ये पॉसिबल था। अगर कोई और भी आ जाता तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना बारीकी या इतनी फैंटास्टिक तरीके से प्रेजेंट हो पाती। हालांकि पठान की कहानी मुझे इतनी नहीं जमी थी, लेकिन जवान भाई कहीं गुना अच्छी है पठान से। अटली ने जो डायरेक्शन दिया है, मैं फिर कह रहा हूँ, फाड़ मूवी दी है, फाड़ के रख दिया है इस बंदे ने, जो मेहनत करी है काबिले तारीफ। बिल्कुल, तो मैंने यहाँ पर, अब मेरा पार्ट होता है ख़त्म, मैंने मूवी देख ली। अगर मैं बोलना चाहूँ तो बाय गॉड आधे घंटे तक लगातार बोल सकता हूँ, मेरे पास इतने ज़्यादा तारीफें हैं, मतलब मैं थकूंगा ही नहीं बोलते बिना, क्योंकि मूवी बहुत अमेजिंग है, सुपर फैंटास्टिक है। लेकिन यहाँ अब ख़त्म करते हैं, और आप में से अब बताएंगे कि आपने जिसने भी बंदे ने मूवी देख ली है तो आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मूवी को देखकर, और आपको क्या लगता है कि ये 7 दिन में अपना बजट रिकवर कर पाएगी, और आपको क्या लगता है कि ये मूवी 1500 करोड़ के ऊपर जा पाएगी या नहीं। भाई मैं कह रहा हूँ 1000 करोड़
जाएगी, आराम से जाएगी, और मुझे लग रहा है 15 दिन के अंदर ही अंदर जाएगी। लेकिन टारगेट है कि 1500 करोड़ को क्रॉस कर पाएगी या नहीं, ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।